वेलकम डिजिटल क्लास। बच्चों आज हम आपको मैथ्स क्लास फोर्थ में चैप्टर नंबर टू लार्ज नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। लार्ज नंबर, तो बच्चों पिछली जो क्लास थी उसमें आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर को हम लिखते हैं। तो इसमें इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999 होता है, यदि आप इसमें प्लस वन कर देंगे तो ये आ जाएगी संख्या नई 1000, जो क्या होती है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कहलाती है। उसी प्रकार यदि ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर में जो संख्या बनती है वो 9999, इसमें यदि प्लस करते हैं तो ये संख्या बन जाती है 10000, जो कि स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर कहलाता है। अब बच्चों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है संख्या का जो मान, यानी संख्या को जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे फाइव की प्लेस वैल्यू फाइव होगी, फोर की फोर होगी, यानी उस संख्या की वैल्यू कितनी है, तो यह उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। अब संख्या कौन से स्थान पर लिखी गई है उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। फेस वैल्यू का तो मतलब है द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द वैल्यू ऑफ दैट डिजिट इन ए नंबर, और प्लेस वैल्यू का मतलब ए नंबर गेट्स इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस इन द नंबर, यानी वह नंबर कौन से स्थान पर है उसके अनुसार ही उसकी प्लेस वैल्यू निर्धारित की जाती है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट फेस वैल्यू एंड द प्लेस ऑफ इट्स प्लेस इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये जो इंडियन सिस्टम है नंबर्स का लिखने का, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10000, लैक और 10 लैख। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है इसमें, कि इसमें कॉमा किस प्रकार से लगता है, यानी बीच में ब्रेक संख्या पर कब लगता है। जब संख्या को पढ़ते हैं तो कॉमा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जो हम कॉमा लगाते हैं, ये कॉमा पीछे से, आप इधर समझ सकते हैं, पीछे से थ्री डिजिट तीन संख्या छोड़कर कॉमा लगता है, फिर टू संख्या और फिर तीन दो, यानी फिर आगे बची हुई संख्या दो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। तो थ्री टू टू ये इंडियन नंबर सिस्टम में आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो इंडियन सिस्टम है कि नंबर लिखने का। अब आते हैं हम सवाल की तरफ, एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें देखिए बच्चों, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ए प्लेस वैल्यू चार्ट एंड गिवन द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट। तो बच्चों आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन ए प्लेस वैल्यू चार्ट। तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं इन सवालों को, यदि हम यहाँ पर देखें तो ये देखो ये चार्ट बना हुआ है। इस पर आपको क्या करना है, एक सवाल समझा देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप करें। सबसे पहले संख्याओं को पीछे से जमाना शुरू करें, यानी ये जो थ्री है यह वंस प्लेस पर आएगा। तो देखिए थ्री को हमने लिखा वंस प्लेस पर थ्री, इसके बाद संख्या आती है फोर, तो उसको लिख दीजिए आप फोर। उसके बाद आ रहा है इसमें टू, तो टू है इधर लिख दीजिए, हंड्रेड प्लेस पर है ये। एट,
इसके बाद में 8 लिख दिया आपने यहाँ पर 1000 प्लेस पर, फिर लिखा आपने 5, तो यहाँ पर आपने 5 लिख दिया। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना है कि संख्याओं को पहले तो आपको ये चीज़ याद रखना, पीरियडिक टेबल जो है इंडियन सिस्टम में किस प्रकार से इसको हम लिखते हैं, 1, 10, 100, उंगलियों पर याद रखें आप, 1, 10, 100, 1000, 10,000। दोबारा सुन लीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 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 10,
है। अब संख्याओं को लिखने का तरीका आपको बताया कि पीछे से संख्याओं को लिखा करें, इधर से संख्याएं चालू होंगी, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड और टेन थाउजेंड। अब आता है सेकंड जो क्वेश्चन दिया इसमें, कि जो संख्या है, जो सर्किल नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू का टू लिखिए आप यहाँ पर, और टू के बाद में कितनी संख्याएं हैं, वन टू, तो इसमें आप टू जीरो लगा दें। तो प्लेस वैल्यू ऑफ टू की है 200, क्योंकि टू कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर। तो 100 प्लेस पर टू का मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो 200 इसकी प्लेस वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार आपको सभी सवाल करने हैं। ये देखो, ये 1000 प्लेस पर है तो 9 लिखेंगे, और कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, तो इस तरह से आपकी इसकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। और संख्याओं को जमाने का तरीका, इसी प्रकार आप टेबल बनाएं और उस टेबल में सभी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर ए से और एच तक, इसको आप इस टेबल में आप संख्याओं को जमा कर लिखें, और प्रत्येक की आपको प्लेस वैल्यू निकाल कर अलग से आंसर देना है। अब मार्क द पीरियड बाय प्लेसिंग द कॉमास एंड राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें कॉमा, सबसे पहले कॉमा प्लेस करना है, यानी कॉमा को आपको लगाना है। तो मैंने आपको बताया था पहले आपको कि 3 2 2, यानी आप पीछे से आप कॉमा लगाना शुरू करें 3 संख्या के बाद, और फिर 2 का तो उसमें ज़रूरी है ही नहीं, तो 3 संख्या के बाद लगेंगे। पढ़ेंगे कैसे संख्या को, इसको आपको नंबर, इसको नेम भी लिखना है इसका, यानी इसको वर्ड्स में भी लिखना है आपको। तो संख्या लिखेंगे हम वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, यानी ये संख्या बन गई 10,000 की। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 23,689। अब इसमें प्लेस करिए कॉमा, कैसे बताया था आपको, 3 संख्या बाद फिर 2 संख्या बाद। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करें, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड और लैक। तो देखिए, अपने आप रुकना होता है, कॉमा का मतलब जैसे आप जानते हैं अल्प विराम। तो इसमें अब यहाँ पर दोबारा कहने, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक। तो 3 तो लैक हो गया, 8,000 हो गए, 491। इस प्रकार से आपको नंबर नेम भी लिखना है। तो बच्चों, सभी क्वेश्चन नंबर 1 के ए टू एच टेबल के अंदर आप बनाकर इसमें इनकी प्लेस वैल्यू अलग से लिखेंगे, और क्वेश्चन 2 को आप कॉमा लगाकर इनकी प्रत्येक संख्या की ए से लेके एच तक इनकी आप इसको वर्ड्स में, यानी इनके नंबर नेम्स को भी आपको नोटबुक में करना है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।